सब एचआर चल रहे हैं और उसमें कोई उनके पास लाइसेंस बैच नहीं होते, धड़ल्ले से चलाते हैं, 8-10 सवारी भरते हैं। टोटल चोरी की गाड़ी और एचआर नंबर गाड़ी, और मैं ये सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसके अंदर मिली हुई है। मोटा पैसा इनसे 2000-3000 रेड लाइट एक दो। लेकिन मैं कुछ परिवहन विभाग की भी बात करना चाहूंगा, क्या परिवहन विभाग सो रहा है, क्या कर रहा है? परिवहन विभाग को इन चीजों पर गौर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आशु जी, आपके XYZ चैनल को मेरा नमस्कार, और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आशु जी, दिल्ली की जो हालात हैं वो इतनी हालात ख़राब हो गए हैं, मैं क्या बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ओरिजिनल लाइसेंस बैच के ड्राइवर हैं, जो इतनी महंगी महंगी डीलरों से गाड़ियां दिल्ली में लेके चला रहे हैं, उनके पास आज रोजगार नहीं है। वो सवारियों के दो दो घंटा इंतजार करते हैं, शाम को आज का टाइम में 500-400 रुपया कमा के ले जाते हैं, उनकी किस्तें भी और किराए भी नहीं निकल पाता है, यहाँ तक कि वो CNG के लिए भी कभी कभी शाम को उदास हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे UP और हरियाणा से जो गाड़ियाँ लाते हैं वो गाड़ियों को दिल्ली में चला रहे हैं, दिल्ली के सभी इलाकों में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ चला रहे हैं, कनाट प्लेस में HR गाड़ियाँ चल रही है, बिना परमिशन लिए वो दिल्ली में घुस रही है वो गाड़ियाँ। तो हम दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के जो ACP हैं, DCP हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के TI, ZO जितने भी दिल्ली में मेरी ये वीडियो को देखें तो इन पर ये कार्रवाई करें वीडियो देखने के बाद, और ऐसे लोगों को ढूंढ के उन गाड़ियों को बंद करें और उनका चलान करें। और जो दिल्ली में मालिक जो किराए पे गाड़ियां चला रहे हैं वो अपने लाइसेंस बैच ड्राइवर को ही दें, ये नहीं कि उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे आप ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। इसमें कानून बहुत लागू है ट्रांसपोर्ट का, और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है हमारे श्री कैलाश गहलोत जी, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप इन्फोर्समेंट के द्वारा दिल्ली में चेकिंग करवाइए। आप इतने ठंडे क्यों बैठे हुए? ये ड्राइवरों ने आपको वोट दिया है, वोट दे के आपको कुर्सी पे बैठा है, तो आप ड्राइवरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ये ड्राइवर बहुत आक्रोश में बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में यही ड्राइवर आपका नुकसान ऐसा कर दे कि आपकी कुर्सी चली जाए। तो मैं निवेदन करता हूँ श्री कैलाश गहलोत जी से कि इन ड्राइवरों के वीडियो जो अगर आप वायरल हो जाए, और सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ ड्राइवर के कि ये वीडियो अगर देखे तो वायरल करें और सभी शेयर करें, ताकि ये हक की आवाज़ हमारे श्री विजेंद्र गंगवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लिए जो कंधे से कंधा मिला के भूखे प्यासे रह के आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आज इनके साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपकी सुनवाई हो, आपका रोजगार बढ़े। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो ये थे साबुद्दीन जी, जो इंडिया टीम के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता साबुद्दीन जी। अब मैं कुछ ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहूंगा, ये बताइए, जैसा कि अभी इन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और हरियाणा की, पता नहीं कहां कहां की गाड़ियां चल रही हैं, आप इस बात से कितने सहमत हैं? आशु भाई जी, हम पूरी तरीके से ये साबुद्दीन जी की बात से सहमत हैं। हम उत्तम नगर रहते हैं और पूरी दिल्ली में हम चलते हैं, लाइसेंस बैच मेरे पास है, गाड़ी मेरे नाम है, और हम आए दिन रोज इतनी गाड़ी देखते हैं HR नंबर की जो बेधड़ल्ले चल रही हैं। मतलब हम इतनी महंगी गाड़ी लेके और सरकार को टैक्स देके, हम जो है हमें काम नहीं है, और वो हमारा काम को खा जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे उत्तम नगर में, विकास नगर में, उत्तम नगर चौक पे विकास नगर के लिए टोटल चोरी की गाड़ी और HR नंबर गाड़ी, और मैं ये सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसके अंदर मिली हुई है, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से उत्तम नगर चौक पर पूरी तरीके से जाम लग जाता है, और ई रिक्शा जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये चौक पे किसके परमिशन से खड़े होते हैं? चौक पे किसके परमिशन से खड़े होते हैं जो आवाज़ लगाते हैं 10 रुपये सवारी 10 रुपये सवारी, और कोई दुर्घटना, कोई बस वाले का ब्रेक ना लगे, कोई बड़ी गाड़ी का ब्रेक ना लगे, 10-20 रिक्शा वाले मर जाएं, ऑटो वाले मर जाएं, ये सरकार किस दिन का इंतजार कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी एक दो वीडियो देखे थे सोशल मीडिया पे, बहुत वीडियो आ रहे थे, एक ई रिक्शे वाले का वीडियो आ रहा था, वो कुछ गाड़ी में बैठ के वो नशा कर रहा था, कुछ इंजेक्शन लगा रहा था, और उसकी जब गाड़ी का नंबर वगैरह चेक किया गया तो उसकी गाड़ी का ना तो नंबर था उसमें, ना परमिट फिटनेस कुछ भी नहीं थी, और हो सकता है उसके पास लाइसेंस बैच भी ना हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले, अच्छा ये आप बताइए, ऐसे मामले जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से दूसरे राज्य की गाड़ियां चल रही हैं, और ई रिक्शा की बात करें या बैक टैक्सी की बात करें, तो आपने कभी ऐसा मामला देखा है? दिल्ली में अधिकतर 2 नंबर की गाड़ी HR हरियाणा फर्स्ट क्लास तरीके से DJ बजा करके दौड़ाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे इस कदर है कि दिल्ली का नंबर डाल करके 2 HR गाड़ियों पर एक गाड़ी मालिक दाढ़ी पे गाड़ी चलवा रहा है। मेरे साकेत कोर्ट के ऊपर
साकेत मेट्रो से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक कांटो वाला 3 सवारी आगे बैठाएगा, 4 सवारी पीछे बैठाएगा, जबकि इसमें 3 पैसेंजर अलाउड हैं। हम ये कहते हैं कि ये जेडो साहब वहीं खड़े रहते हैं, पुलिस ट्रैफिक वाले कोर्ट की रेड लाइट पे खड़े होते हैं, जहां छोड़ते हैं वहीं से यू टर्न मार के उस पुलिस कॉन्स्टेबल के सामने जा रहे हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं। तो इसमें ये बताइए, जब पुलिस की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं तो पुलिस इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? पुलिस का इसमें पूरा इन्वॉल्व है, ट्रैफिक पुलिस का जो मेट्रो से कॉन्टेक्ट है ना, पूरा बड़ा मोटा पैसा इनसे 2000-3000 रेड लाइट, एक लाइट से लेकर दूसरी रेड लाइट तक 2000 का सिक्का चलता है। पुलिस वाले उनको इग्नोर कर देंगे। अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी में कोई तकलीफ वाला बंदा बैठ गया ना, मुझे हाथ दे देंगे, इधर आ जा, चालान काट के हाथ में दे देंगे, ये आगे अलाउड नहीं है, और वो साथ साथ सवारी बैठा के ले जाए वो अलाउड है। हम मैं आपकी माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऑटो रिक्शा के 3 पैसेंजर आप 200 में लेकर जाइए मेट्रो से, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस विभाग ACP DCP जो होशकास में जो बैठे हैं, TI साहब खड़े होकर नजारा देख लीजिए, और नहीं हम आशु भाई के साथ एक दिन ये फिल्म करके आपको भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ड्राइवर भाई जो है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनको ये जो जेन्युइन तरीके से गाड़ी चलाते हैं, 3 सवारियों को लेके जाते हैं, इन्होंने लाइसेंस, इनके लाइसेंस भी लिया है, बैच भी लिया है, गाड़ी का परमिट भी इनके पास है, सरकार को साल में कई हजारों रुपए की ये फीस भरते हैं, लेकिन जो ऐसे लोकल गाड़ियां चलाने वाले हैं, जो 7-7, 8-8 गाड़ियां सवारियां भर के गाड़ी चलाते हैं, उनके पास ना तो लाइसेंस होता ना बैच होता है। अभी साबुद्दीन जी ने मेरे को एक एम परिवहन ऐप से चेक करके दिखाया था, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये उस गाड़ी का स्क्रीनशॉट है, इसकी फिटनेस परमिट इंश्योरेंस पॉल्यूशन लगभग 1-2 साल से खत्म है। अगर ऐसी गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्या क्लेम मिलेगा? क्या बताइए, क्लेम मिलेगा? बिल्कुल क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी सवारियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार से जो 6-6, 7-7 सवारी भर के ले जाते हैं, आप पैसे का लालच करते हैं, 10 रुपए के लालच में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आपका परिवार नहीं बिखरेगा? क्या सवारियों को बैठना चाहिए? बिल्कुल सवारियों को नहीं बैठना चाहिए ऐसी गाड़ियों के अंदर। इस गाड़ियों पे ना कुछ है, ना लाइसेंस है, ना परमिट है, कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर भाई दीपे ये ऑटो ड्राइवर गलत तरीके से दारू पीकर गाड़ी पलट देता है या कुछ भी हो जाता है तो बेचारा परमिट होल्डर फंस जाता है, और लेना देना नहीं है इसमें। और हकीकत में ये बात है कि HR गाड़ियां बंद होनी चाहिए, इन HR गाड़ियों का कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये पुलिस वालों के सामने चलती है HR गाड़ियां। अभी मैं ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, हमारे साथ में जो ड्राइवर भाई है ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस का भी इसमें इन्वॉल्व है और कुछ पैसे वैसों की ये बात कर रहे हैं। हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन इनका कहना है इन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा, तब ये कह रहे हैं हम किसी डिपार्टमेंट की बुराई यहाँ पे करने नहीं आए। हमारे साथ और भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं, आप अभी बता रहे थे राजस्थान की MP, मध्य प्रदेश की भी गाड़ी आपने देखी है, कहाँ पे देखी है आपने? सर आश्रम पे देखी है मध्य प्रदेश की गाड़ी। अच्छा, ये बदरपुर में जाके देख लीजिए हरियाणा की गाड़ी, मध्य प्रदेश की गाड़ी, और जैतपुर मोड पे जाके देखिए बिगर नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी, और वहीं पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सर हम पैसा लेते हैं, बाहर की गाड़ी को रोकते हैं जो वहाँ पे लोकल चलते हैं बिगर नंबर की, जिसका कोई टाइम ही खत्म हो गया गाड़ी का, 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, वो गाड़ी वहाँ चल रही है, 15 साल हो गए वो गाड़ी वहाँ पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी आरोप है। कहाँ की बात बता रहे हैं? बदरपुर, जैतपुर बदरपुर में लगता है, वहाँ की भी ये बात बता रहे हैं। इन्होंने भी कई गाड़ियां ऐसी देखी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे चल रही है, और जब राजस्थान और बिगर नंबर की गाड़ी, बिना नंबर की भी गाड़ियां चल रही है, तो इस प्रकार की जो गाड़ियां चल रही है और इनमें सवारियां बैठ रही है, कुछ पैसों का लालच कर रही है, तो किसी दिन दुर्घटना हो गई तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तो बाहर की गाड़ी है, यहाँ पे ना तो उसका रजिस्ट्रेशन है, ना परमिट है, ना आप उस ड्राइवर के पास हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं सर, ड्राइवर का उनके पास लाइसेंस भी होता, कागज गाड़ियों आधे गाड़ी के कागज भी नहीं होते हैं, और वो खून से धड़ाके से चलते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अच्छा, और किसी भाई ने कहीं पे कोई गाड़ी ऐसी देखी है? आप बताइए, आप थोड़ा सा आगे आइए, आपने भी ऐसी कुछ गाड़ियां देखी है जो बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के या फिर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या परमिट के चलती हुई, देखा है सर मामला आपने? हमने देखा है सर उत्तम नगर में, उत्तम नगर नवादा वाले रोड पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं सब HR चल रही हैं, और उसमें कोई उनके पास लाइसेंस बैच नहीं होते, धड़ल्ले से चलाते हैं 8-10 सवारी भर के उसमें। अच्छा, ये चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया, स्टेट के अलग अलग राज्य में कहीं बदरपुर पे, कहीं उत्तम नगर में, और भी कई जगह पे ऐसी गाड़ियां चलती हुई देखी गई अक्सर। तो अब मैं इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवा जी से एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, जैसे कि आप ऑटो टैक्सी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ड्राइवर की जो जेन्युइन तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। अब ये जो गाड़ियां दूसरे राज्य की गाड़ियां यहाँ पे चल रही है बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस बैच के चल रही है,
रोजगार पे असर इनका इनके रोजगार पे असर पड़ रहा है, इनको सवारियां नहीं मिलती हैं, वो 10-10, 15-15 रुपए में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले उठा के ले जाते हैं। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इस पर क्या एक्शन लेंगे? आशू जी नमस्कार और सभी भाइयों को नमस्कार। आशू जी मैंने अभी इस पर पिछले महीने RTI लगाई थी, RTI के अंदर मेरे को दिल्ली के हर ACP DCP और यहाँ तक कि इन्फोर्समेंट से और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर टोडापुर से रिटर्न में जवाब आया है। उनका जवाब ये है कि मैं समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, अगर आप हमारी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे अपील मतलब कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, आज ये कितने संतुष्ट हैं और मैं कितना संतुष्ट हूँ, ये जनता कितनी संतुष्ट है उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बैटरी रिक्शा जो दिल्ली में अनलिमिटेड चल रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इनकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एक ऑटो रिक्शा पे बाउंडेशन है, वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये बैटरी रिक्शा आज की तारीख में मेरी हिसाब से पूरी दिल्ली में 15 लाख के आसपास होंगे। ये सारे इलीगल चल रहे हैं, 236 रोड पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी उन सभी रोडों पे ये चल रहे हैं। वहीं पे ZO साहब खड़े, वहीं TI साहब खड़े, वहीं SI साहब खड़े हैं और उनकी नज़रों के सामने से सवारी भर के ले जाते हैं। हम और ऐसे ही पूरे दिल्ली रोज इनसे 2-4 होती है और इसका कितना फर्क पड़ रहा है वो रोड पे गाड़ी चलाने वाला जानता है। दिल्ली में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है, डिपार्टमेंट की, इन्फोर्समेंट की बनती है, ट्रैफिक पुलिस की बनती है, पुलिस कमिश्नर की बनती है, परिवहन मंत्री की बनती है, लेकिन सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने एक ताजा मामला देखा था उत्तम नगर में, वहाँ पे इतना हमेशा वहाँ से सोशल मीडिया पे खबरें आती रहती है। उत्तम नगर में जो ई रिक्शा है वो लगातार सड़कों को घेर के खड़े रहते हैं, जिसके कारण अभी एक बाइक से एक जाते हुए व्यक्ति की जो है ट्रक से टकराने के कारण मृत्यु हो गई थी। कारण क्या था, आधी से ज्यादा सड़क ई रिक्शा वाले घेर लेते हैं, निकलने की जगह बसती नहीं है, बड़ी गाड़ियां होती हैं, छोटी गाड़ी वाले बेचारे टकरा जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, दिल्ली इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे इलीगल वाहनों पे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है, दूसरा जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं इनका रोजगार भी खत्म कर रहे हैं। और आगे चल के जैसा भी विजेंद्र गंगवा जी ने बताया कि इन्होंने एक्शन भी लिया, इन्होंने RTI भी डाली और उनका कहना यह है कि हम समय समय पर एक्शन लेते रहते हैं। जब आप समय समय पे एक्शन लेते रहते हो तो आज की डेट में भी दिल्ली के अंदर इस प्रकार की जो इलीगल गाड़ियां हैं वो धड़ल्ले से चल रही हैं। तो मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, इन्फोर्समेंट टीम को, परिवहन विभाग को एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि आप इन पर सख्ती से पेश कार्रवाई करें ताकि ये गाड़ियां किसी की जान ना ले लें। तो बस दोस्तों यही थी इलीगल गाड़ियों के ऊपर मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।